अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं जन्नत। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक और बहुत ज़बरदस्त रेमेडी। ये रेमेडी होने वाली है फुल बॉडी वाइटनिंग लोशन। ये लोशन मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी और इस लोशन से आप अपनी फुल बॉडी को वाइट कर सकते हो। आप हाथों, पाँव, नेक, फुल बॉडी, फेस पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो इस बॉडी लोशन को। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एक तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। एज अ मॉइस्चराइजर आप इसको यूज़ कर सकते हो, एज अ वाइटनिंग मॉइस्चराइजर या एज अ वाइटनिंग बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हो। अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि आपके हाथ पाँव का कलर जो है ना वो डार्क है, तो उसको लाइट कैसे करें, कोई ऐसी क्रीम बता दे, कोई ऐसा लोशन बता दे। तो वही लोशन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा मिल्क, आपको चाहिए दूध, कच्चा दूध लेना है आपने, उबला हुआ दूध नहीं लेना है। मैं 2 से 3 टेबलस्पून दूध के लूँगी। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन टोन को लाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, तो दूध जो है वो स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून आलमंड ऑयल। आपने इसमें 1 टीस्पून आलमंड ऑयल ऐड करना है। आलमंड ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, विटामिन ई होता है, मैग्नीशियम होता है जो स्किन को हेल्दी बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। ऑरेंज एसेंशियल ऑयल एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट ऑयल है। ये आपकी स्किन को वाइट करता है, विटामिन सी होता है, कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं 3 वाइटनिंग कैप्सूल। ये आपको कॉस्मेटिक शॉप से ईजिली मिल जाएंगे वाइटनिंग कैप्सूल के नाम से। आप यही वाइटनिंग कैप्सूल इसमें ऐड करेंगे, इवियन के कैप्सूल ऐड नहीं करने हैं। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे कॉर्नस्टार्च। मैं यहाँ 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च का ऐड कर रही हूँ, जिसे कॉर्नफ्लोर भी कहा जाता है। ये आपने लाजमन इसमें ऐड करना है। कॉर्नस्टार्च जो है वो अक्सर किचन में चीज़ों को थिक करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, वही वाला कॉर्नस्टार्च यूज़ करना है। ये स्किन से एलर्जी को रिमूव करता है और सन बर्न को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो ये भी आपके स्किन टोन को लाइट करने में हेल्प करेगा। इंग्रेडिएंट आपने इसमें ऐड करना है वो है रोज़ वाटर। आपने रोज़ वाटर को इतना गर्म कर लेना है कि जिस तरह बिल्कुल वो बॉयल हो जाए, ठीक है, बॉयलिंग पॉइंट तक ला के आपने रोज़ वाटर को गर्म करना है और फिर इसको इस कॉर्नस्टार्च में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये इसमें मिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको चूल्हे पर रख के, किसी भी पैन में या किसी भी बर्तन में डाल के चूल्हे पर रख के आपने सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए पकाना है। 1 मिनट में ही इसका टेक्सचर जो है वो इस तरह हो जाएगा जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी वाली ये क्रीम बन जाएगी और इसको अब मैं एक जार में जो है वो निकाल लेती हूँ। तो ये एक ज़बरदस्त अमेजिंग क्रीम रेडी हो चुकी है आपकी फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए। आप इसको कैसे करना है, सिंपली जैसे आप बॉडी लोशन यूज़ करते हो वैसे ही यूज़ करना है। आप जब भी अपने हाथ धो लो या पाँव धो लो, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर लो, या फिर आप सिर्फ इसको नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हो और डे टाइम में। आपको जो है ना इसको 2 टाइम जो है वो यूज़ करना है। एक तो आपने इसको नाइट टाइम में यूज़ करना है, लाजमन यूज़ करना है, कोई भी दिन स्किप नहीं करना है, और आप चाहें तो उसको डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिन में एक दफ़ा नाइट टाइम में इसको आपने ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है, आप 1 हफ्ता इसको यूज़ करो, आपको इसके रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।